नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में आपका स्वागत है। बताते चले आपको कि आज खबर आ रही है, बड़ी ही दर्दनाक खबर आ रही है। बताते चले आपको, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काला झंडा दिखाने वाली कांग्रेस नेत्री रीता यादव को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। इसी के बीच बताते चले आपको कि गोली कांग्रेस नेत्री के पैर में लगी, उन्हें घायल अवस्था में CHC में भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टरों ने महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक हाल ही में सपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली रीता यादव पोस्टर बैनर बनवाने सुल्तानपुर आई थी। वहां से लौटकर वह अपने घर जा रही थी, उसी समय हाईवे पर लंबुआ के पास 3 लोगों ने ओवरटेक करके उनकी गाड़ी को रोका और गाली देते हुए रीता को गोली मार दी। गोली उनके पैर में लगी, तब तक हमलावर बदमाश मौके से भाग निकले। इसके बाद घायल अवस्था में रीता यादव को पहले CSC लंबुआ में भर्ती कराया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उन्हें सुल्तानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अभी हमलावरों के बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। लंबुआ इलाके के DSP सतीश चंद्र शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और महिला का बयान दर्ज किया। उन्होंने टेलीफोन पर बताया कि मामला संज्ञान में है, रीता यादव के पैर में गोली लगी है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि 16 नवंबर 2021 को PM मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शुभारंभ करने जिले के कुरेबार स्थित अरावली किली में सभा कर रहे थे, तभी रीता यादव ने उन्हें काला झंडा दिखाया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा था और 2 दिन बाद उनकी बेल हुई थी। इस घटना के 1 महीने बाद तक वो सपा में रही, लेकिन सम्मान नहीं मिलने पर वो 17 दिसंबर 2021 को लखनऊ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा से मिलकर कांग्रेस में शामिल हो गई थी। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 News के साथ। धन्यवाद।